हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने आप लोगों के डिमांड के आधार पे मराठा के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि मराठा में कौन कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था और शिवाजी का क्या रोल था और उससे क्या और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों चीज पे ध्यान देते हुए आज मैं मराठा के ऊपर एक लेसन बनाया हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में, खास करके 65 BPSC में, हो सकता है कि आपको हेल्प करे। कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस लेसन से काफी हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं कुमार मधुकर और आज KM लर्निंग चैनल के अंतर्गत आप लोगों को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का 63 BPSC टारगेट है तो एक कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है जिसके अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री का कोर्स आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनरोल कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री के लिए, जिसके अंतर्गत आपको सिर्फ हमारे दिए हुए इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और कुछ इंक्वायरी डिटेल्स देना है जिसके आधार पे आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। एक नॉमिनल अमाउंट है पेमेंट का, नॉमिनल अमाउंट जो कि कोई भी आपको उस नॉमिनल अमाउंट पे इस क्लास को प्रोवाइड नहीं कर सकता। पूरा कंप्लीट हिस्ट्री आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका वीडियो भी आपको मिलेगा और PDF भी मिलेगा। तो अगर आप लोग इंडियन हिस्ट्री को टारगेट रखना चाहते हैं और आपको पता ही है कि 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस कोर्स को आप जरूर लीजिएगा, जरूर इनरोल कीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मराठा के बारे में। देखिए, मराठा जो है आपको पता है साउथ इंडिया के महाराष्ट्र रीजन में लोकेशन था इसका। साउथ इंडिया का महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कर्नाटका के कुछ एरिया में भी इसका लोकेशन था। अगर इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र, और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ये सब कुछ ऐसे लोकेशन है जिसमें कि मराठा का किसी न किसी रूप से विस्तार देखने को मिला था। हालांकि आंध्र प्रदेश से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर एरिया रहा है तो वो था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मराठा, इसलिए आप लोगों ने मराठी भी सुना होगा। तो मराठा जो था एक ऐसा इंपॉर्टेंट पोजीशन रख रहा था मेडिवल पीरियड में, जिसमें कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री सिस्टम भी अपने आप में यूनिक बन गया था, राइट। पहला चीज। दूसरा चीज है कि मराठा का जो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम था वो अहमदनगर और बीजापुर सिचुएशन से लोकेटेड था, राइट। सो इंपॉर्टेंट पोजिशन रख रहा था उस वक्त मराठा। उसके बाद उनके जो लोकल अथॉरिटी था वो बहुत बड़ा नहीं था बट वेल एस्टैब्लिश था, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, लोकल अथॉरिटी, दे हैड लोकल अथॉरिटी बट डिड नॉट हैव एनी लार्ज बट वेल एस्टैब्लिश स्टेट एज अ राजपूत स्टेट, करेक्ट। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एस्टैब्लिश था लेकिन राजपूत स्टेट की तरह नहीं, उनका अपना लोकल गवर्नमेंट था, राइट। लोकल अथॉरिटी था, लोकल अथॉरिटेरियन कह सकते थे, मराठा के तौर पे था। बट जैसे राजपूत हम लोग राजस्थान में पढ़ते हैं कि काफी वेल एस्टैब्लिश थे, तो उस तरह से मराठा का एस्टैब्लिशमेंट नहीं था, करेक्ट। लेकिन फिर भी मराठा का एक इम्पोर्टेंट रोल था मेडिवल पीरियड में। और अगर मराठा का सेटअप करने की बात बोलते हैं, साम्राज्य की बात बोलते हैं, तो शाहजी भोसले और शिवाजी, ये दो इम्पोर्टेंट ऐसा नाम होता है जिनका रोल आया है मराठा को एस्टैब्लिश करने में, वेल एस्टैब्लिश करने में, इतिहास में एक कहानी रचने के लिए, जिसके कारण आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो शाहजी भोसले और शिवाजी को नाम याद रखिएगा। शाहजी भोसले जो कि अहमदनगर का किंग मेकर के तौर पे थे, क्योंकि मराठा की शुरुआत जो हुई थी अहमदनगर और बीजापुर के लोकल शासक के तौर पे था, उपनिवेश के तौर पे कह सकते हैं, करेक्ट। तो ये मराठा, और मराठा जो थे बहादुर सैनिक या बहादुर राजा, वो अहमदनगर बीजापुर के किसी न किसी रूप में सेवा प्रदान कर रहे थे। और उस वक्त अहमदनगर के किंग मेकर के तौर पे शाहजी भोसले का नाम आता था, राइट। और धीरे धीरे उन्होंने बीजापुर तक भी अपना वर्चस्व बना लिया, ओके। तो बीजापुर तक हो गया। आपको पता होगा कि 1636 में एक ट्रीटी हुआ था, उस ट्रीटी के अंतर्गत क्या हुआ कि पूना और पूना के आसपास का एरिया जो भी था अहमदनगर में, वो बीजापुर में ट्रांसफर हो गया 1636। ध्यान रखिएगा, अहमदनगर से बीजापुर ट्रांसफर हो गया पूना के आसपास का एरिया, और ये किसके कारण हुआ, शाहजी भोसले, बिकॉज ही वॉज एक्टिंग एज ए किंग मेकर ऑफ अहमदनगर, आफ्टर विच ही इंगेज हिमसेल्फ फॉर बीजापुर।
उसके बाद क्या हुआ, अहमदनगर छोड़ के वो नाराजगी व्यक्त हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, डिस्प्यूट हुआ, सो ही शिफ्टेड फ्रॉम अहमदनगर टू वो बीजापुर एंड नाउ ही बिकेम द किंग मेकर ऑफ बीजापुर एंड अल्टीमेटली 1636 के एक्ट के आधार पे, ट्रीटी के आधार पे पूना और आसपास के एरिया अहमदनगर से छीन कर बीजापुर तक पहुंचा दिया गया, राइट। उसके बाद ये वाला जो एरिया था वो सेमी इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश किया बेंगलोर में उसने, ठीक है। शाहजी भोसले जो थे, जब वो काफी एम्बिशस हो गए, किंग मेकर हो गए, तो उनको ऐसा लगा कि अब क्यों नहीं हम अपना एक खुद का प्रिंसिपालिटी, लोकल अथॉरिटी बनाए। सो ही स्टार्टेड फ्रॉम बेंगलोर, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, बेंगलोर से शाहजी भोसले ने अपना सेमी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपालिटी के तौर पर उन्होंने शुरुआत किया, ठीक है। और ये था उनका साउदर्न इंडिया का एक ऐसा स्टेप जो फाइनली शिवाजी को एक नया रास्ता दिया, जिसके आधार पे वो अपना ओरिजिनल प्लेस जो पूना आसपास का रीजन था, जहां पे वो अपना साम्राज्य उसी तरह से प्रिंसिपालिटी सेटअप करने के लिए टारगेट बनाया, करेक्ट। अब यहां पे देखिएगा कि लिखा हुआ है कि लेफ्ट बाय हिज फादर इन पूना। अब वो पूना में उनका आसपास हो गया शिवाजी का, तो और उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई थी शाहजी भोसले का, तो उनका शिवाजी का एज था 18 ईयर्स, एंड सिंस 18 ईयर ही शोज हिज टैलेंट, वो अपनी कैपेसिटी, अपने वर्चस्व, अपनी बहादुरी को तभी से दिखाना शुरू कर दिया, मतलब उनमें कूट कूट के भरा हुआ था, करेक्ट। और उसी दरमियान से उनका जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ, कंटिन्यूसली चला, जिसमें उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे लोकल फोर्ट्स को जीता और अपने साम्राज्य में शामिल किया। देखिए पूना के आसपास सब जीता, जैसे राजगढ़ जीता, कोंडाना जीता, ठीक है ना, तोरना जीता, ये सब 1645 से लेकर 1647 तक उनकी विजय का ध्वजा जो है लहरा रहा था। उसके बाद देखिएगा शिवाजी का रोल तो बढ़ ही गया शाहजी भोसले की मृत्यु के बाद। उनका जो गुरु थे दादा भाई गोंडदेव, वो गुरु कह सकते हैं, गार्जियन कह सकते हैं, जो कि 1647 में उनकी मृत्यु भी हुई थी, राइट। और आफ्टर डिफीटिंग जावली मराठा चीफ चंद्रराव मोरे, ही एस्टैब्लिश हिज सुप्रीमेसी ओवर मौला एरिया। मौला एरिया एक ऐसा था जिसपे जावली जावली महाराष्ट्र में बोलते हैं, जावली मराठा मारथा, जावली मारथा जो चंद्रराव मोरे के कंट्रोल में था, उस पर उन्होंने अपना सुप्रीमेसी या वर्चस्व कायम कर लिया, ठीक है। और शिवाजी का जो पीरियड था, बेसिकली अगर मानेंगे तो मेजर रोल जो है औरंगजेब के समय में था, तो ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द औरंगजेब। मीन्स कि मराठा का कौन सा ऐसा शासक था जो औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी था, तो ध्यान रखिएगा औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी में शिवाजी थे। अब उनके दिनों का एक मेजर इंसिडेंट था वो बीजापुर अनरेस्ट, अनरेस्ट मतलब विद्रोह, ठीक है ना, बीजापुर विद्रोह। तो वहां पे देखिएगा कि शिवाजी जो विजय का पताका फहरा रहे थे, वो बहुत जगह पे अपने तेजी से, अपने बहादुरी से, अपने चालाकी से हर जगह विजयी हो रहे थे। सो फाइनली बीजापुर जो था, बीजापुर का सुल्तान, उसने बोला कि नहीं, अब शिवाजी को या मराठा के इस शक्ति को दबाना पड़ेगा। सो उसने अफजल खां को भेजा कि जाओ उसे पकड़ कर लाओ, और अफजल खां को मारने में शिवाजी सक्सेसफुल हुए, और शिवाजी ने अफजल खां को 1659 में मार दिया, राइट। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी को कैप्चर करने के लिए, मारने के लिए कौन से सुल्तान ने अफजल खां को भेजा था, तो बीजापुर का सुल्तान, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीजापुर का सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए या मारने के लिए किसे भेजा था, तो अफजल खां को, ठीक है ना। चलिए, औरंगजेब फिर डेक्कन गवर्नर शाइस्ता खो को भेजा। अब हुआ कि बीजापुर ऐसे भी उनके, औरंगजेब के कंट्रोल में था ही, तो शाइस्ता खां को बोला, भेजा, और उधर बीजापुर अफजल खां के मरने के बाद उसने आदिल शाह को भेजा, करेक्ट। आदिल शाह ऑफ बीजापुर सेंट, सॉरी आदिल खान नहीं बल्कि सीधी जौहर को भेजा, राइट। तो उस वक्त आदिल शाह जो है बीजापुर का राजा हुआ करता था, सुल्तान हुआ करता था। तो औरंगजेब के द्वारा भेजा गया शाइस्ता खां, और बीजापुर के सुल्तान के द्वारा भेजा गया सीधी जौहर जो है सीधा शिवाजी के अगेंस्ट में खड़ा हो गया, करेक्ट। अब ये दोनों सेना मिलकर क्या हुआ, पन्हाला फोर्ट को कैप्चर कर लिया, राइट।
और ये दोनों सेना मिलके पन्हाला फोर्ट को कैप्चर कर लिया गया। बीजापुर के कंट्रोल में था, जो कि बीजापुर साउदर्न इंडिया में औरंगजेब के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे था, राइट। और शाइस्ता खां जो है वो पूना पे अपना कब्जा कब्जा बना के हेडक्वार्टर बना लिया। मतलब दोनों साथ में आया, और इधर बीजापुर के राजा सुल्तान के द्वारा भेजा गया सीधे जौहर ने पन्हाला फोर्ट पे कैप्चर किया, उधर शाइस्ता खां ने पुणे के फोर्ट पे कैप्चर करके पूना को अपना कैपिटल बना लिया। बोला कि भाई यही मेरा हेडक्वार्टर, अब मैं ही रहूंगा। अब क्या हुआ, शिवाजी बहुत ही प्रॉब्लम में फंस गया। अब उनको चैलेंज लगने लगा कि अब ये इसको पूना पे अधिकार जमा लेना बीजा मराठा के लिए एक बहुत बड़ी बात होती, हार के तौर पे थी। सो शिवाजी जो है हर तरह की कोशिश करते करते 1663 में शाइस्ता खां के कैंप में किसी तरह से इंटर कर गए और शाइस्ता खां पे अटैक कर दिया, ठीक है। और इस तरह से शाइस्ता खां पे अटैक हुआ, मार तो नहीं पाए लेकिन उसकी हार हुई यहाँ पे, जिसके कारण औरंगजेब जो है काफी चिढ़ गया और फाइनली बोला शाइस्ता को, चल भाग वहां से यार, तुम यहां से निकलो और बंगाल का को संभालो, राइट। तो एक तरह से उसके लिए एक पनिशमेंट के तौर पे बंगाल में ट्रांसफर कर दिया गया, राइट। तो 1663 में हुआ था शाइस्ता खां के लिए। 1664 में शिवाजी जो है फिर से विजयी का पताका फैला रहे था, फहराते हुए सूरत पोर्ट पे अटैक कर दिया और उसे लूट लिया, बहुत सारे ढेर सारे माल और पैसा कौड़ी लूट के अपना लेके आया। और वो सूरत जो था मुगल पीरियड के समय में, सूरत पोर्ट जो था अपने आप में एक सेंटर के तौर पे था, ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे, और उसको भी उन्होंने लूट लिया, करेक्ट। अब देखिए शाइस्ता खां जब चला गया बंगाल, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल औरंगजेब के द्वारा शाइस्ता खां को मराठा के राजा शिवाजी को हराने के लिए भेजा गया था, तो और शिवाजी जब उसे हरा दिए तो शाइस्ता खां को कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, तो शाइस्ता खां को बंगाल में ट्रांसफर कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, राइट। और जैसे बंगाल में ट्रांसफर किया तो औरंगजेब जो है राजा जय सिंह को, अम्बेर के राजा जय सिंह को, काफी चतुर चालाक डिप्लोमैट और शक्तिशाली था राजा, ठीक है ना। तो राजा जय सिंह को अंबेर के थे, तो राजा जय सिंह को डेप्यूट किया कि भाई देखो मराठा को जरा देख लो, जरा संभाल लो, तुम ही संभाल सकते हो। राजा जी जय सिंह जो था वो आया तो सबसे पहले पुरंदर फोर्ट को ऊपर कैप्चर किया। क्यों किया भाई, कि एक तो विशाल सेना के साथ आया ही था, औरंगजेब का सपोर्ट भी था, और जय सिंह अपने आप में शक्तिशाली और चतुर भी था, डिप्लोमेट भी था। सो पुरंदर पे इसलिए शासन किया क्योंकि पुरंदर पे उनके शिवाजी के फैमिली और सारे संपत्ति, जब्त किया हुआ संपत्ति, लूटा हुआ संपत्ति सब पुरंदर फोर्ट में ही रखा हुआ था, फैमिली भी और ट्रेजर भी था, करेक्ट। इसीलिए राजा जय सिंह ने उसी नब्ज को पकड़ा कि वह पुरंदर के फोर्ट को कब्जा करेंगे, शिवाजी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। सो फाइनली ऐसा ही हुआ, शिवाजी कंट्रोल में आ गए, कंट्रोल में मतलब कि वो फाइनली वो कंपेल्ड हो गए ट्रीटी के लिए। सो पुरंदर ट्रीटी वाज साइन इन 1675, ध्यान रखिएगा, शिवाजी जो है पुरंदर साइन से पुरंदर के ट्रीटी के लिए साइन करने के लिए इसलिए मजबूर हो गए कि राजा जय सिंह एक शक्तिशाली राजा के साथ साथ डिप्लोमेट राजा भी था और शिवाजी के मेन नब्ज को पकड़ लिया, करेक्ट। चलिए अब आता है कि क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा कि पुरंदर ट्रीटी कब हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा 1665 में। तो राजा जय सिंह जो है उसको बोले कि भाई भाई आ जाओ, तुम साइन करो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्शन भी दिलवाऊंगा औरंगजेब से और तुम्हें कुछ नहीं होगा। और चूंकि शिवाजी के लिए अपने फैमिली और ट्रेजर दोनों को सुरक्षित रखने की बात थी, तो एटलीस्ट उन्हें फैमिली का ज्यादा प्रायोरिटी था, तो उन्होंने इस ट्रीटी पे साइन करने के लिए तैयार हो गया उन्होंने वो, ठीक है। अब पुरंदर ट्रीटी में हुआ क्या, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए, उस वक्त मराठा शिवाजी के अंतर्गत टोटल 35 फोर्ट्स था, करेक्ट, जिसमें से 23 फोर्ट ऐसा था जो कि उस वक्त हूंस में रुपया माना जाता था, काउंट होता था, तो 4 लाख हूंस से भी ज्यादा एनुअली इनकम हुआ करता था, 4 लाख से भी। तो जिसके कारण 23 फोर्ट्स जो है फाइनली क्या कर दिया गया, इल्डेड फॉर 4 लाख 23 जो है उनको दे दिया गया कि भाई चलो, और इसके बदले 4 लाख हूंस आपको एनुअली देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा भाई, तो मुगल को देगा क्योंकि औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया हुआ जयसिंह था, है ना। सो आउट ऑफ टोटल 35 फोर्ट जो कि मेजरली मराठा के शासन में था, जयसिंह ने बहुत सारे फोर्ट पे कब्जा कर ही लिया था, तो बोला था ठीक है 23 फोर्ट्स मैं रिलीज करता हूं, लेकिन 4 लाख एनुअली तुमको हूंस देना पड़ेगा। बच गया 12 फोर्ट्स।
रिमेनिंग 12 फोर्ट जो था उसका जो कैपेसिटी अर्निंग का था वो 1 लाख एनुअली था, जिसका 1 लाख एनुअली, यहाँ पे 4 लाख से ऊपर था सब ये फोर्ट जो था एनुअली इनकम जनरेट करने में। फोर्ट मतलब क्या, उस फोर्ट के आसपास के लोकेलिटी जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, करेक्ट। सो 1 लाख एनुअली जो यहाँ से आता था, तो ये सब शिवाजी के लिए छोड़ दिया गया। साथ में ये भी बोला गया कि एक ही कंडीशन पे मैं आपको 12 फोर्ट दे रहा हूँ कि आप मुगल के राजत्व को या सॉवरेंटी को मानेंगे और लॉयल्टी दिखाएंगे हर जगह, मतलब आप यू विल वर्क एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुगल, करेक्ट। तो ये ट्रीटी हुआ। तीसरा है टेरिटरी ऑफ बीजापुर कोंकण, यहाँ आपने नाम सुना होगा बीजापुर और कोंकण और बालाघाट, बालाघाट एरिया जो कि महाराष्ट्र के नॉर्दर्न में, बालाघाट छिंदवाड़ा एमपी में है, आपने नाम सुना होगा। तो ये जो दे रही है ये दोनों एरिया है वो फाइनली उनको दे दिया गया शिवाजी को, इस कंडीशन पे कि यहाँ से 40 लाख हूंस देंगे इस बीजापुर कोंकण और बालाघाट रीजन से, ये तीनों वो बीजापुर कोंकण का बालाघाट के रीजन से अब टोटली जो है 40 लाख हूंस मुगल को दिया जाएगा, वो भी इंस्टॉलमेंट में, एक बार नहीं इंस्टॉलमेंट में। तो ये सारा कंडीशन से आपको समझ में आ रहा होगा कितना ह्यूमिलिएटिंग था, मतलब ऐसा कर दिया गया था कि फाइनेंशियली क्या बोल सकते हैं, इनक्रोचमेंट हो गया था, फाइनेंशियली बांध दिया गया था, राइट। उसके बाद उनके फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको 5,000 का मनसब प्रदान किया गया जो अकबर के द्वारा शुरू हुआ था, पता ही आपको। सो फाइनली इट वॉज ग्रांटेड टू हिज माइनर माइनर सन संभाजी, राइट। और उसके बाद शिवाजी 1666 के बाद उनको थोड़ा सा रिगेन किया अपना पावर, और उसने फिर से वो ही शुरुआत की जो उनका तरीका था, आपको गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे ही। सो ही रिगेन मोस्ट मेनी लॉस्ट फोर्ट्स इंक्लूडिंग पुरंदर एंड पन्हाला, राइट। तो ये सब मेजर मेजर फोर्ट्स उन्होंने जितना शुरू किया, पुरंदर भी फिर से जीत लिया, पन्हाला भी जीत लिया, और अपने आप को 1674 में राजगढ़ में अपने आप को राजा घोषित किया, क्रोनिंग राजा का राज्याभिषेक करवाया। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी जो है कौन से ईयर में अपने आप अपना को राजा घोषित करवाया था या कोरोनेशन कब हुआ था, तो 1674 में राजगढ़ में, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा एक कुछ पॉइंट्स है। गागा भट्ट का नाम आपने अगर नहीं सुना होगा तो ध्यान रखिएगा, गागा भट्ट जो था एक संत था, प्रिस्ट जिसको बोलते हैं, वो जो था उनको बोला कि भाई ये तो हाई क्लास के क्षत्रिय हैं। गागा भट्ट ने इनको टाइटल दिया कि भाई ये तो टॉप क्लास के क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का पद भी दिया गया। उसके बाद उनका जो लास्ट एक्सपेडिशन था शिवाजी का वो था बीजापुरी कर्नाटका 1676 में, राइट। एंड जहां पे उसने थोड़ा सा ट्रेजर भी जीता और कुतुब शाही का सपोर्ट भी जीता। अगर साउथ में गया तो कुतुब शाही था, आपको बोला ना आंध्र प्रदेश वाला भी रीजन है, आंध्र प्रदेश कर्नाटका वाला भी रीजन है, तो कर्नाटका वाला बेसिकली बीजापुरी कर्नाटका 1670 में उन्होंने कुछ ट्रेजर को लूटते हुए यहाँ पहुंचा और कुतुब शाही से भी वसूली किया और कुतुब शाही का सपोर्ट भी गेन किया, राइट। और उसी गेन के अंतर्गत शिवाजी जो है फाइनली साउथ में वेल्लोर तक पहुंचे, जिंजी पहुंचे। आप हैदर अली के बारे में पढ़ा होगा तो जिंजी आपको जरूर आया होगा, तो ध्यान रखिए वेल्लोर और जिंजी तक पहुंचे और उन्होंने अपना कंट्रोल या सॉवरेंटी वहां पे एस्टेब्लिश किया, करेक्ट। उसके बाद देखिए ही वाज आल्सो नया नया, जब उनका टाइटल, पहले तो हाई क्लास ऑफ क्षत्रिय किसको, किसने कहा, गागा भट्ट, तो अब यहाँ पे हिंदवा धर्मोधारक, धर्मोधारक आपने नाम सुना होगा जिसका मतलब धर्म का उद्धारक, तो हिंदू धर्म के प्रोटेक्टर के तौर पे, प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू फेथ उनको ये टाइटल दिया गया या इस नाम से भी उन्हें पुकारा जाने लगा। जिंजी जो था वही एक प्लेस था जहां पे उनका बेटा राजा राम फाइनली फ्यूचर में, वही नहीं, उनका बेटा राजा राम जो है अपना शेल्टर लिया, रिफ्यूज लिया, मतलब वहां पे भाग के जब गया था तो वो जिंजी में ही गया था। ये भी क्वेश्चन होता है राजा राम के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो। सो जिंजी जहाँ पे ऑलरेडी शिवाजी कंट्रोल किए थे वही फ्यूचर में उनके शेल्टर के तौर पे बना ड्यूरिंग द औरंगजेब सारी, जब औरंगजेब साउथ में अटैक करने लगा शिवाजी के बाद, उनके मृत्यु के बाद जब राजा राम था, तो फाइनली राजा राम जो है यही जिंजी में ही अपना रिफ्यूज लिया था या शेल्टर ले लिया था या छुपा था। सो 1680 में उनकी मृत्यु हो गई शिवाजी की। अब आते हैं शिवाजी के पीरियड के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पोस्ट या क्या है उससे एसोसिएटेड टर्म्स। ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन में अष्ट प्रधान का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है,
अष्ट प्रधान, जिसमें से एक है पेशवा, जो कि इनका काम था फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। तो पेशवा जिसे प्रधानमंत्री के तौर पे था, राइट। फिर सरयत नौबत, जो कि सेनापति हुआ करता था, पूरा मराठा चीफ को ही दिया जाता था। सेनापति जो हुआ करता था वो मराठा जो भी चीफ होता था उसी को ये पोस्ट दिया जाता था। फिर मजूमदार हुआ करता था उनके अष्ट प्रधान में, जो कि अकाउंटेंट का काम करता था। अकाउंटेंट मतलब आप जानते ही हैं, खाता भाई मेंटेन करना, कितना खर्चा, कहाँ से पैसा आया, क्या हुआ, कितना लूट के आया, ये सारे। उसके बाद एक पोस्ट था वाके नवीस। वाके नवीस जो था बेसिकली आज के डेट में सीआईडी, सीआईबी, आपने नाम सुना होगा सीआईडी या ये क्या बोलता, रॉ, इस तरह का था। तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को संभालता था वाके नवीस और हाउस होल्ड अफेयर्स को भी संभालता था। ये दोनों जो है वाके नवीस के द्वारा हैंडल किया जाता था। उसके बाद देखिएगा, सुरनवीस का नाम सुना होगा या चिटनीस का नाम सुना होगा। सुरनवीस ज्यादा आप चिटनीस सुने होंगे, है ना। तो चिटनीस जो था बेसिकली आप डाकिया का काम कर सकते हैं, बेसिकली करस्पोंडेंस में उनका हेल्प करना, लेटर भेजना, लेटर आना लाना, जो भी है मंगवाना, या लेटर से करस्पोंडेंस से रिलेटेड सुरनवीस या चिटनीस ही हैंडल करता था। एक पोस्ट था दवीर, नाम सुना है आपने, नहीं ना। तो ये जो था सेरेमनीज, जितना भी होता था फंक्शन फेस्टिवल, उसके वे मास्टर हुआ करते थे। और फॉरेन अफेयर्स में ये हेल्पिंग हैंड हुआ करता था, जैसे आज के देखते हैं विदेश मंत्रालय, तो आप कह सकते हैं कि दबीर वॉज हैंडलिंग द विदेश मंत्रालय, करेक्ट। फिर है न्यायाधीश, न्यायाधीश, सॉरी न्यायाधीश, न्यायाधीश से आपको पता है जुडिशरी को हैंडल करने वाला। फिर पंडित राव भी था, पंडित राव जो जितना भी चैरिटेबल वर्क्स होता था, चैरिटेबल ग्रांट्स हुआ करता था कि भाई ब्राह्मणों को ये दान देना है, तो ऋषियों को ये दान देना है, किसानों को ये दान देना है, मतलब बेसिकली जो चैरिटेबल काम होता था या ग्रांट्स मिलता था या देता थे, उसमें पंडित राव का अहम रोल हुआ करता था। तो इससे आपको क्या लगा अष्ट प्रधान में, देखिए एक दो, उसके बाद ये तीन, फिर चार, है ना, चार, टोटल चार हो गया, फिर चार चार आठ, तो टोटल एट अष्ट प्रधान था। तो ध्यान रखिएगा, पेशवा, सरियत नौबत, मजुमदार, वाके नबीस, सुर नबीस और चिटनीस, दबीर, न्यायधीश, पंडित राव, ये आठ जो था वो अष्ट प्रधान का एक पार्ट था शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में, करेक्ट। तो गाइज आई होप कि आपको ये लेसन आपको अच्छा लगेगा और आपके बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों का डिमांड था कि मराठा के बारे में कुछ अपलोड किया जाए, सो आई थॉट कि मराठा के बारे में कुछ डिटेल्स, क्योंकि बाकी तो लेसन आप लोगों को मिलता ही रहता है। एंड स्टे ट्यून टू केम लर्निंग चैनल, और फ्रेंड्स आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।